हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबों के लिए मखान की एक अच्छी सी नई रेसिपी, स्वीट रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान होगा। इसे बनाने के लिए हम लोगों को मखान लेना होगा, मखान का लावा लेना है और इसे हमें एक चमचा घी में रोस्ट कर लेना है। यहाँ पर गर्म पैन में एक चमचा घी डालकर, मखाने को डालकर हम लोगों को रोस्ट करना है। 12 से 15 मिनट में हमारा यह मखाना अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएगा। और इस तरह से हम अभी मखान पारे बनाने जा रहे हैं। जिस तरह से शक्कर पारे बनते हैं, उसी तरह से यह मखान पारे है। इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक कटोरा मखान लिया था और आधी कटोरी चीनी लिया है। आधी कटोरी चीनी में आधी कटोरी पानी डालकर इस तरह से हमें मेल्ट करना है। हमें इसके लिए तीन तार की चाशनी बनानी है। इस तरह से हम गैस पर, लो मीडियम गैस पर इसे चलाते रहेंगे। इस तरह से देखिए, जब इस तरह से गाढ़ी हो जाए हमारी चीनी, और हम देख लेंगे यह तीन तार की चाशनी बनके बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। इस स्टेज में आने के बाद हमने जो रोस्ट किया था एक बाउल मखाना, उसको इसमें डाल करके इस तरह से हम लोगों को चलाना है। 2 से 3 मिनट 4 मिनट में यह अच्छी तरह से उसमें ऑब्जर्व हो जाएगा और हमारा चीनी सूखने लगेगा। जब चीनी हमारा सूख जाएगा तो हम फिर गैस को बंद कर देंगे और मखाना को एक दूसरे से अलग करते जाएंगे। चिपका हुआ नहीं रखेंगे, इस तरह से हमें कलछी की सहायता से अलग अलग कर देना है। और अगर थोड़ा बहुत चिपका होगा तो गर्म, जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, हल्का गर्म रहेगा, उसी समय हमें एक दूसरे से अलग कर देना है। तो इस तरह से देखिए, पूरी तरह से चीनी भी सूख चुका है हमारा, और इस तरह से हम इसको अलग अलग करके अलग अलग कर देंगे ताकि एक एक मखान अलग हो जाए। और इस तरह से बना करके हम इसे लड्डू गोपाल को भोग भी लगा सकते हैं। घर में जो हम डेली का पूजा करते हैं, उस समय भी भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं। और बच्चे तो पूछिए ही मत, इतना पसंद से खाते हैं कि जब आप इसे बना कर रखेंगे और छोटे बच्चे को देते रहेंगे, बच्चे क्या, बड़े भी बच्चे बन जाते हैं इसे खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी बनता है। उम्मीद है मुझे पसंद आया होगा आपको। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फिर से एक बार धन्यवाद।